बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखवे किला ने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं। भैया रो राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंती हुई, नाम है हमारो सचिन चौधरी। आजकल आप क्या सालन से देख रहे हो सर्वे करवे वालन को। सर्वे मतलब ऐसे के टीवी पे बड़े बड़े सर्वे आउट के, जो इतना लोकप्रिय है, जो चुनाव जीत रहो, जो बहुत बढ़िया आदमी है, इन्हें अच्छो काम करे, इन्हें बुरा करे, तमाम तरह के सर्वे आउट हुई हैं। लेकिन बुंदेली बौछार आपके लाने एक ऐसी चीज लिया है जो अब तक आपने हिंदुस्तान के इतिहास में ना कभी देखी हुई है, ना कभी सुनी हुई है। हम सर्वे करवे वालन को भी सर्वे करके ले आए हैं, और जो ऐतिहासिक सर्वे शायद पूरी दुनिया में सबसे अनूठो ही है। काहे के पहली बेर सर्वे करवे वालन को भी सर्वे हो रहो बुंदेली बौछार पे। इकिला ने हमने 5 महत्वपूर्ण सवाल तय करे हैं, और उन सवालों पे का जवाब निकल के आए, कितने प्रतिशत लोगों ने कौन सो जवाब दो, जो सब आपको एक एक करके बताएं। दिल थाम के बैठो और आज को हमारा सर्वे शुरू हो रहा हो। और पहला सवाल है के सर्वे करवे वालन के प्रति आपकी क्या राय है। फिर से सुनो सवाल, के सर्वे करवे वालों के प्रति आपकी क्या राय है। और ये कहलाने हमने 4 विकल्प दिए। पहलो विकल्प है खामोखा, दूसरो विकल्प है फालतू, तीसरो विकल्प है टाइम पास, और चौथो विकल्प है सेटिंग को खेल। यानी सर्वे खामोखा करे जात, फालतू में करे जात, टाइम पास में करे जात, या फिर सेटिंग को खेल है। और इसके बाद बड़े चौंकावे वाले नतीजे आए हैं आपके सामने जे रहे कंप्यूटर स्क्रीन पे, के 30% लोग कह रहे कि जे खामोखा सर्वे करे जात, के 30% लोग कह रहे कि जे सर्वे खामोखा करे जात, 12% लोग कह रहे कि जे सर्वे फालतू में करे जात, 18% लोग कह रहे कि सर्वे टाइम पास है, और 40% लोग कह रहे के सर्वे पूरे सेटिंग को खेल हैं। जी हाँ, जे रहे आंकड़े आपके सामने। पहलो सवाल जो हमने दो तो के सर्वे करवे की आखिर जरूरत का है, ऊ के जे पूरे के पूरे आंकड़े आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आप साफ तौर पे देख सकत हो। और अब हम आपके सामने ले आ रहे दूसरो सवाल। दूसरो सवाल है कि आखिर सर्वे करवे की जरूरत का है। महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर सर्वे करवे की जरूरत का है। और इसके लाने भी 4 विकल्प हमने दिए हैं जिन पे हम आपको राय बताएं लोगन की। और जे विकल्प हैं, पहला विकल्प है दुकानदारी, दूसरा विकल्प है चमचागिरी, तीसरा विकल्प है भांडगिरी, और चौथा विकल्प है मजबूरी। यानी जे सर्वे दुकानदारी के लाने करे जात, के चमचागिरी के लाने करे जात, या फिर भांडगिरी के लाने करे जात, या फिर मजबूरी में करे जा। और इसके बाद जनता की राय आपके सामने हम एक एक करके ले आ रहे, जा रही पूरी जनता की राय। 29% लोगों को कहो है कि सर्वे दुकानदारी के लाने करे जा, 29% लोगों को कहो है कि जे चमचागिरी के लाने करे जा, 29% लोगों को कहो है कि जे भांडगिरी के लाने करे जा, और 13% लोगों को कहो है कि सर्वे मजबूरी में करे जा। तो आप देख रहे हैं नतीजे, सर्वे करवे की जरूरत का है इको लेके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। को कह रहो चमचागिरी, को कह रहो भांडगिरी में, और को कह रहो दुकानदारी के लाने, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। 29% पे टाई भाव 3 जगह सर्वे को जो नतीजा। अब हम आपको बता रहे अगले सवाल पे का है लोगन की राय। और अगलो सवाल जो है के सर्वे की स्क्रिप्ट, सर्वे की स्क्रिप्ट आखिर कितने लिखी जा। फिर से आप सवाल सुनो कि सर्वे की स्क्रिप्ट आखिर कितने लिखी जा, जो महत्वपूर्ण सवाल है। तो और ये खोले के जब हमने 4 विकल्प दिए तो जनता ने का विकल्प चुने हैं जो आपको बताएं। सबसे पहले हम आपको बताएं कौन कौन से विकल्प दिए गए। सर्वे की स्क्रिप्ट कितने लिखी जाती, सवाल को लेके 4 विकल्प थे। पहलो विकल्प स्टूडियो में लिखी जात, दूसरो विकल्प पार्टियों के दफ्तर में लिखी जात, तीसरो विकल्प फोन पे लिखी जात, और चौथो विकल्प कॉफी हाउस यानी कॉफी या फिर चाय की दुकान पे लिखी जात। और ई किलाने जो जनता ने जवाब दिए ऊ कोई बड़े चौंकावे वाले नतीजे हैं। 17% लोग कह रहे कि सर्वे की स्क्रिप्ट स्टूडियो में बैठ के लिखी जात, यानी टीवी चैनलों के स्टूडियो में बैठ के लिखी जात। 16% लोग कह रहे कि फोन पे लिखी जात,
14% लोग कह रहे हैं कि कॉफी हाउस या चाय की दुकान पर लिखी जात, और 53% लोगों को मान वो है कि सर्वे की स्क्रिप्ट पार्टियों के दफ्तर में लिखी जा। बड़ो आंकड़ा है, 53% लोग ज्यादा समझने लगे हैं कि पार्टियों के दफ्तर में सर्वे की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा। तो भैया देखिए, आपने 3 महत्वपूर्ण सवाल के जवाब हो गए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमें बचे हैं, 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, और चौथा महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर सर्वे करवे को फायदा की खो मिलत है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सर्वे करवे से की खो फायदा होत है, और इके लाने हमने फिर से 4 विकल्प दे हैं, और ये विकल्प हैं, पहलो विकल्प है सर्वे करवे वारन को फायदा होत, पहलो विकल्प सर्वे करवे वारन को फायदा होत, दूसरो विकल्प सर्वे करावे वारन को फायदा होत, तीसरो विकल्प जनता को फायदा होत, और चौथो विकल्प के पूछो जिनो की खो फायदा हो। ये 4 विकल्प हमने देते, ई पे जनता की राय आपको बता रहे, और ई राय के मुताबिक 20% लोगन को मानवो है कि सर्वे करवे वारन को फायदा हो सर्वे से, 75% लोगन को मानवो है कि सर्वे करावे वारन को फायदा हो सर्वे से, 5% लोगन को अबे भी कंफ्यूजन है, बेकर है पूछो जनो की को फायदा हो, उनको समझ में नहीं आउत क्या करी सर्वे से फायदा की को हो, और 0% लोग जा मान रहे कि खो जनता को कछु फायदा हो, जनता को कछु गुइया फायदा नहीं हो सर्वे से, को सर्वे हो कछु सर्वे हो जनता को इसे को फायदा नहीं हो, जा बात हम भी माना तो, जब जनता भी माना था, हम भी तो जनता ही आए, तो कुल मिलाकर 0% लोग जो मान रहे कि ना तो जनता को फायदा हो ना कोनो आम आदमी को फायदा हो सर्वे से, और जा बात हम भी मानत का है, अपन भी तो जनता ही आए। कुल मिलाकर एक 5वां और बहुत महत्वपूर्ण सवाल अब आपके सामने आवे वारो है, 5वां सवाल, सबसे आखिरी सवाल, सबसे बड़ो सवाल, जो शायद अभी तक आपने ना सुने हुई है ना देखे हुई है, और इस सवाल के केवल 2 विकल्प हमने दिए थे, और उसके बाद का राय निकल के सामने आई। सवाल जो है कि अभी तक इतने सर्वे जो आपने टीवी पे देखे, उनमें से कौन से सर्वे के लाने आप तक यानी आम जनता तक कोनो भी सर्वे करवे आओ पूछवे आओ कि भैया आपकी राय का है, यानी सवाल जो है कि सर्वे के लाने अब तक आपके पास कभों को आओ है पूछवे के लाने, और ई के लाने हमने 2 विकल्प देते, पहलो विकल्प के हाँ कभों ना कभों को आओ है, और दूसरो विकल्प के नहीं कभों को नहीं आओ, और ई खो चौका भी वाले आंकड़े हैं काय के 0%, यानी 0000% लोग कह रहे कि हाओ हमारे पास को उगाओ है, यानी कौन ही बात को तैयार है कि उनके पास को उगाओ है, और 100% लोग ही बात को इनकार कर रहे कि उनके पास का उनको उगाओ भी हुई है, सब कह रहे कि भैया आज उन्हों को नहीं आओ, पतो नहीं ये सर्वे होत के तैसे हैं। तो कुल मिला के सर्वे की हकीकत के सब बस बाकी 5 ही सवालों में आपको शायद समझ में आई हुई है, और जो कौन आखिरी महत्वपूर्ण बात जा है कि जो कौन हमारा सर्वे नहीं हतो, बस सर्वे के नाम पर दुकानदारियों को लेके एक छोटे से आपको दिमाग में कौन चीज बताने हती कि आखिर हकीकत का हो। कुल मिला के मूल मुद्दों से ध्यान भटकावे के लाने सर्वे ले आए जाते, और जी आज नहीं ले आए जा रहे, ये सालों से चली जा रही है दुकानदारी, और असल धरातल पे जनता कम महसूस करत, जो तो लोकतंत्र में चुनाव के टेम पतो चलत, और ई के अलावा बाकी सब मोह माया है। आप भी आनंद लो, अपन भी आनंद ले, और उम्मीद करें कि जो सर्वे को भी आपने आनंद लो हुई है। राम राम। प्रदीप यादव बीना की ओर से भाई राहुल यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।